गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट उदर रोगा मेंशन इन आयुर्वेदा। उदर रोग इज वन अमंग द अष्टांग महागत। बिकॉज ऑफ उत्सेद इट इज कंसाइड एज अ टाइप ऑफ सोथ। उदरोत्सेद सादर म्याद उदरम। द डिजीज दैट आर मैनिफेस्टेड इन द एब्डोमिनल कैविटी कॉजिंग द डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमिन कॉज उदर रोग। इन दिस कंडीशन अग्नि प्लेज अ मेजर रोल इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज वेर द अपकृतार्थ आहार पाक मल एंड ऑल मलवह स्रोतस इज एक्यूमुलेटिंग इन द उदर लीड्स टू दिस घोर व्याधि वेर मंदाग्नि मलिन भोजन एंड मल संचय आर कंसाइडर्ड एज मेन निदानास। आयुर्वेदा एम्फसाइजिंग ऑन बीइंग हेल्दी गिव्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द इनिशिएशन ऑफ द डिजीज स्टेप बाय स्टेप। इफ वन पे स्पेशल अटेंशन टू द चेंजेस हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी एनीवन कैन बी हेल्दी एंड इट इजी टू गेट हील्ड अर्ली स्टेजेस। उदर अत्र उदरस्तो रोगोपिदर शब्देन उच्यते। वाचस्पति संहिता में उदर की निरुक्ति दी गई है। डिजीज विच मैनिफेस्टेड इन द उदर इज टर्म्ड एज उदरा उदर रोग। कमिंग टू निदान ऑफ दिस उदर रोग वी क्लासिफाइड इन टू दिस मैनर। आहारज निदान गर विष युक्त भोजन डाइट मिक्स विद टॉक्सिन्स अति उष्ण सेवन हॉट डाइट अहित आहार सेवन डाइट विच नॉट सुटेबल फॉर द बॉडी असूचि मलिन भोजन वासी भोजन रखा हुआ भोजन रोक्ष डाइट डाइट विदाउट द ऑयली ऑयल सब्सटेंस अति क्षार एंड अति अम्ल विहारजनिदान मिथ्या संसर्जन क्रम। जो भी आयुर्वेदिक पंचकर्म प्रोसीजर्स दी गई है उसका सही से क्रमयुक्त तरीके से प्रयोग ना किया जाए या तो उसमें कोई डेफिशिएंसी रह जाए। कर्म विभ्रमण जो भी आयुर्वेद की जो पंचकर्म प्रोसेसर्स है वमन विरेचन आदि वो अगर सही तरीके से ना हुई हो या उसका ठीक से रिजल्ट ना मिला हो। पाप कर्म अति संक्षोभ आहार विहार एक्सेसिव ट्रैवलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा या माउंटेन हिली एरिया में ट्रैवलिंग वेग विग्रहार सप्रेशन ऑफ अर्जिस अति रोक्षात प्लीहार्शो ग्रहणी दोष कर्षणार्थ यानी जो स्प्लीन रिलेटेड या पाइल्स या तो आईबीएस जैसे डिसऑर्डर्स लंबे समय से हो रहे हो जिसको बल सक्रुतार्थ रोध आंत्रस्फुटन भेदनम एनी टाइप ऑफ इंजरी टू द एब्डोमिन या तो जो डीप इंजरी हुई हो जो इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन तक हो। कमिंग टू पुरारूप ऑफ उदर रोग शून्नाश एपेटाइट लॉस होना जीर्ण परिजीर्ण डाइट ठीक से डाइजेस्ट ना हुआ हो इनडाइजेशन बलवन्नास डायबिलिटी हो गई हो सकृत अति प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति या तो कंडीशनली कॉन्स्टिपेशन हो या तो डायरिया हो जाना राजी जन्म वलिनास एब्डोमिन पे जो क्रीज होती है वो स्वेलिंग की वजह से न रहना और उस पे वेन का फूला हुआ होना किंचित पादगत सोफ फुट इडिमा पेडल इडिमा शाश्वत बलक्षय अपि व्यायामे सस्व मुच्छति जैसे सीढ़ी चढ़ना या चलने से डिस्पनिया और एक्सर्शन हो जाना।
सामान्य रूप ऑफ दिस डिसीजेस पेडालिडीमा, नोजिया, वोमिटिंग, आधमान दौर्बल्य, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, गमन अशक्ति, सौफ दाह, थोड़ा सा चलने से भी सांस फूल जाना, डाइजेस्टिव पावर वीक होना, थोड़ा सा आहार भी डाइजेस्ट ना हो पाना और एक्सेसिव थर्स्ट। कमिंग टू संप्राप्ति ऑफ दिस डिसीजेस, तो जो भी निदान सेवन हुए हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी है उसका सेवन करने से अग्निमांद्य होता है। ड्यू टू अदर व्याधि और अजीर्ण आदि की वजह से जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी ठीक ना होने की वजह से मल का संचय होता है। त्रिदोष प्रकोप होता है, दोष दुष्टि होती है, दुष्य में रस, स्वेद और अम्बुवाह दुष्ट होता है। ये दोष दुष्य मिलकर ऊर्ध्वाधर मार्ग में जाते हैं, लीडिंग टू प्राण अग्नि अपान संदुष्टि, प्राणवायु अग्नि और अपान वायु की दुष्टि होती है और वो धातु अग्नि पाक न होने की वजह से मार्ग अवरोध होता है, स्वतरोध होता है और फिर उधर रोग उत्पन्न होते हैं। कोष्ठ में दोषों का संचय होता है, फिर वो अनुवस्थत को दूषित करता है और बाकी जो भी उदर रोग के हैं वो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। टाइप्स ऑफ उदर रोग, वातज, पीतज, कफज, सन्निपातज, प्लीहादोष, यकृत दोष, बद्धोदर, क्षतोदर, जलोदर, 8 टाइप के उदर रोग होते हैं। कमिंग टू वातोदर, अनियत उच्च वृद्धि, जो एब्डोमिन में स्वेलिंग या तो बढ़ना कम होना हो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। कुक्सी पास सूल, तो पेन इन बायलेटरल फ्लैंक लिजियन एंड एब्डोमिन एरिया। उदावर्त, गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाना। अंगमद, पर्वभेद, शुष्क कास, ड्राई कफिंग, काश्य, वेट लॉस हो जाता है। दौर्बल्य, डायबिलिटी होती है। अरोचका विपाक, खाने की इच्छा नहीं होती है। वातवर्च, मूत्र संग, अपान वायु की दुष्टि की वजह से होता है। और ऊर्ध्वतिर्यक ससूल, एब्डोमेन के ऊपर और नीचे की ओर पेन होता है। और क्या होता है, तो कोक्षी पाणी पाद रुषण श्रेतु, शोथ होता है इडिमा। जो एब्डोमिन होगा उस पर अरुण वर्ण की राज्य जन्म होगी इसमें। पितोदर, दाह, ज्वर, तृष्णा, कटुकाश्यता, मुख का टेस्ट है वो कटु होगा। मूर्छा, अतिसार, भ्रम, क्षिप्रपाक, दह्यते, दुह्यते, धूप्यते, उष्मयते, स्विद्यते, ये एब्डोमिन पे ऐसे टाइप की बर्निंग टाइप की बर्निंग सेंसेशन फील होता है। मृदु स्पर्श, एब्डोमिन का जो टच होगा वो मृदु होगा, सॉफ्ट फील होगा। एब्डोमिन पे जो क्रीज बनेगी, मानी लाइनिंग बनेगी, वो हरित, हरिद्र, नख, नयन, वदन, त्वक, मूत्र, वर्ज, येलो इस टाइप की पिगमेंटेशन या तो लाइनिंग बनेगी। जो फेस का कलर है यूरिन और स्टूल का कलर है वो येलो होगा। कफोदर, गुरु स्तिमितता की वजह से उधर भी उधर में हैवी फील होगा। गौरव, अरोचक, अविपाक, अंगमर्द, सुप्ति, उत्क्लेश, ये सब होगा। जब परीक्षा करेंगे तो ऑन एग्जामिनेशन एब्डोमिन हार्ड फील होगा, उस पे जो लाइनिंग होगी वो वाइट टिश होगी, शुक्ल राजी। जो नेल, यूरिन, फेस, स्टूल का कलर होगा वो वाइटिश होगा, श्वेताब, शुक्लाब। और स्वेलिंग मेनली पेडल इडिमा हो सकता है। सन्निपात उधर, उसमें तीनों दोष के मिक्सिंग लक्षण मिलेंगे। उसमें उसके मेन निदान है दुर्बलाग्नि, अपथ्य, आहार विहार सेवन
इनकम्फर्टेबल डायर, विरुद्धाहार सेवन और हैवी डायर सेवन, इन सब की वजह से त्रिदोष प्रकोप होता है और वो त्रिदोष उदर रोग उत्पन्न करते हैं। उसमें ऑन एग्जामिनेशन मिक्सिंग टाइप मिक्सिंग कलर की लाइनिंग क्रीज एब्डोमेन में उत्पन्न होगी, प्लीहोदर। तो अति संक्षोभ मनी एक्सेसिव उबड़ खाबड़ रास्ते से सवारी करने की वजह से, या तो कोई टाइप का इंजरी की वजह से, या खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल ध्यान न रखने से। जो पंचकर्म के क्रियाएं दी गई है वमन विरेचन आदि, उसमें उसका ठीक से प्रयोग ना होने की वजह से रस रक्त की दुष्टि होती है, उससे वात प्रकोप होता है। वो प्लिया प्लीहा मानी स्प्लीन को उसके स्थान से प्लीहा च्युति होती है मानी इसके स्थान से डिस्प्लेस करता है, और उसकी वजह से प्लीहा कठिन होती है और अस्थिलवत फील होती है मनी हार्ड लाइक स्टोन फील होती है, और उसकी वजह से प्लीहोदर होता है। कुछ साध्य व्याधि है ये। यकृतोदर राइट साइड ऑफ एब्डोमिन में ये पहला है, दक्षिण पार्श्व स्थित तुल्य हेतु लिंग औषध प्लीहादोर। जैसे प्लीहा के जो भी संप्राप्ति हुई वही सारी चीज़ें राइट साइड में होती है, वैसे ही सिम्टम्स फील होते हैं। इसमें एक ऑन एग्जामिनेशन स्पर्शासहत्व फील होता है, टच करने से भी पेन होता है। और उसके अलावा दौर्बल्य, अरोचक अविपाक, वर्च मूत्रग्रह, मृद ज्वर, आना अग्निनाश, अति पांडु, कार्श्य, कोष्ठवात सूल, नीलहरित हाइद्र, राजी, अंगमर्द, छर्दी, मूर्छा, अंगसाद, काश, श्वास एक्सेट्रा से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। बद्धोदर खाने पीने की चीज़ों में हेयर, या तो स्टोन के टुकड़े या तो मिट्टी कंकर के टुकड़े आने की वजह से वो सारी चीज़ें जाती है इंटेस्टाइनल पार्ट में, आंत्र समूर्छन, वहाँ पे जाके वो रुक जाती है और वहाँ मार्ग अवरोध कर देती है। अपान वायु वहाँ पे अवरोध होने की वजह से वो पुरुष में मिलके पुरुष को वहाँ ही रोक देते हैं, और उसकी वजह से आंत्र बद्ध हो जाता है, उसको बद्ध गुदोदर बोलते हैं। उसके मेन सिम्टोम्स हैं तृष्ण, दाह, ज्वर, मुख, तालु सोस, काश, श्वास, दौर्बल्य, अरोचक अविपाक, वर्च मूत्र संग, आधमान, छर्दी विदग्नि। उसकी अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो स्वेलिंग फील होगा, थोड़ा एब्डोमिनल स्थिर फील होगा, और उसमें जो लाइनिंग क्रीज आएगी वो अरुण नील राजी वर्ण की आएगी, ग्रीनिश ब्लैक टाइप की आएगी, और काउ टेल के जैसा स्वेलिंग फील होगा लोअर एब्डोमिन में। छिद्रोदर डाइट में शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि, मेनली जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो उनके खाने में फिश का वो बोन पार्ट या तो अस्थि वगैरह आ जाने की वजह से वो आंत्र में जाते हैं, वहाँ पे अन्न के साथ आंत्र में जाके वहाँ पे भेदन करते हैं आंत्र का, और उसकी वजह से वहाँ से उजिंग होता रहता है आइदर लस्सी का या तो ब्लड का, और वो एनस सिग्मोइड कोलन को फील कर देता है, और उसकी वजह से ये छिद्रोदर होता है। मेनली इसमें लोअर एब्डोमिनल पार्ट में स्वेलिंग फील होता है, मेन सिम्टोम्स के हिका, श्वास, काश, तृष्णा, प्रमेह, अरोचक अविपाक, दौर्बल्य। देर आर वेरियस निदान एंड संप्राप्ति डेट विल लीड टू स्पेसिफिक उदर रोगा। हियर द क्वेश्चन अराइज हाउ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ उदर रोगा लीडिंग टू जलोदर। इफ प्रॉपर इंटरवेंशन इज नॉट डन टू ईच उदर बाई परिपाक, ऑल उदर विल ट्रांसफॉर्म टू जलोदर, वेयर द मैनिफेस्टेशन ऑफ जलोदर एज अ पेरेंट्रल व्याधि।
अंतसलिल भाव ही भजन्ते जठराणी तू सर्वाणी परिपाकाता तानी भी वर्जियत। ऐसा सुश्रुत ने निदान स्थान में कोट किया है। निग्लिजेंस दिस अवस्था ऑफ द उदर लीड्स टू अजादत्व। जलोदर की तीन अवस्थाएं होती है, अनुदर का अवस्था जहां पे जल का संचय नहीं हुआ है, पिच्छोत्पत्ति जो जल का संचय हुआ और नहीं हुआ उसके बीच की बिटवीन की स्थिति है, और उदक उत्पत्ति जल माने जहां जल का प्रादुर्भाव हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अजादत्व का अवस्था, उसमें स्वेलिंग कम फील होगा। अगर एब्डोमिनल पर एग्जामिनेशन करेंगे तो परकर्षण करेंगे तो सशब्द होगा। सिराजाल वक्ष्यम्तम नाभि विस्तंभ अल्प मूत्र प्रवृत्ति सूल रित कटी गुद पिछोत्पत्ति दोष से वो द्रवीभूत होते हैं और अवस्थित होते हैं तिरेगामी रसायनियों में, उसके बाद जल का प्रादुर्भाव होता है। तो उदर लुक्स लाइक मंडलाकृति गुरु स्तैमित्य अकोठित अशब्दम मृदु स्पर्श निग्लेक्ट दिस टेस्ट लेशु जलोदर अपगत राजी अकारांतरम उपसर्पति। अब जलोदर अवस्था ट्रिगर वात एक्ट ऑन क्लोमनी मैंने रसायणी अम्बुह स्वतस बाय कफ प्लस उदक समूर्छन एंड वर्धयेद था अम्बु, उसमें जल एक्यूमुलेट होने लगता है और कंडीशन आती है एसआईटीज की। मेन सिम्टम्स क्या क्या हो गए उसमें, एनल रिजियन से सिक्रेशन आएगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, ब्रेथलेसनेस रहेगी, जनरलाइज्ड डायबिलिटी रहेगी, एब्डोमिनल स्ट्रेन रहेगा, उसमें जो लाइनिंग क्रीज उत्पन्न होगी और एब्डोमिन में जल का प्रादुर्भाव होगा, उधर में संचय होगा जल का। लेटर स्टेज इफ निग्लेक्टेड आई स्वेलिंग होगा, देन आफ्टर इसके थोड़े कॉम्प्लिकेशन है कुटिल उपस्थ सर्व मर्म स्वयथु मूर्छा छर्दी अतिसार श्वास हिका अरुचि त्रुटा तुषा, ये सारे इसके पुअर प्रोग्नोसिस वाले सिम्टोम्स हैं। नाउ कमिंग टू साध्य साध्यत, वातात पितात कफात प्लीहा सन्निपात तथा उदकात परम परम कृच्छाद उत्तरतरम। ये एक के बाद एक डिफिकल्ट पुअर प्रोग्नोसिस है इसका। पक्षाद बदगुदरम 15 दिन का बदगुदर सर्वजातकम तथा प्रायो भवत्याम छिद्रांतरम चोद्रम नुणा, ये किच साध्य है। पथ्या पथ्य ऑफ दिस डिजीज पथ्य रक्तशाली यव मोदक झांगल रस पय गौमूत्र अरिष्ट आश्रव शहद अल्प अम्ल स्नेह कटु पंचमूल साधित यवागु ओदन, ये सब साध्य है पथ्य है इसके। अपथ्य में है पिष्ट पिष्टान्न तिल एक्सेसिव व्यायाम एक्सेसिव ट्रैवलिंग दिन में सोना उष्ण अम्ल लवण विदाही गुरु भोजन लेना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, अपथ्य है। थैंक यू।